तो आइए प्रश्न रहेगा आज एपी यानी समांतर श्रेणी का। तो पहला प्रश्न देख रहे हैं एपी 10-7-4 ...... तीसवां पद क्या होगा, यानी कि पहला पद है आपका 10, दूसरा पद है आपका 7, तीसरा पद है 4, तो चौथा पद क्या होगा, पांचवा पद क्या होगा, इस तरह से तीसवां पद हमको पूछा है डायरेक्ट। तो इसके बनाने क्योंकि देखिए ऑब्जेक्टिव है तीसवां पद में जो आएगा वो संख्या इसमें मिलेगा, तो ये ऑब्जेक्टिव है तो जल्दीबाजी में से बनाना है। प्रथम पद ए मानेंगे तो ए बराबर कितना हो जाएगा आपका 10, और सार्व अंतर यानी कि डी, तो सार्व अंतर डी कैसे निकालेंगे, दूसरे में पहला को घटा करके, तो दूसरा कितना यानी कि ए टू माइनस ए वन, तो ये हो जाएगा ए टू कितना आपका 7, तो 7 लिख लेंगे, उसके बाद माइनस ए वन कितना है 10, तो कितना हो जाएगा ये माइनस तीन हो जाएगा। और हमको तीसवां पद निकालना है यानी एन बराबर हो गया आपका 30, एन बराबर 30 हो गया और हमको तीसवां पद याद करना है। तो देखिए यहाँ पर सूत्र लिखते हैं, ये सूत्र याद रखिए या पहले से आप लोग को याद होगा, तो ए एन बराबर ए प्लस ब्रैकेट अंदर वन माइनस और सार्व अंतर यानी कि डी हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे ए एन के जगह पे तीसवां पद ज्ञात कर रहे हैं, यानी कि तीसवां पद ज्ञात कर रहे हैं बराबर, यहाँ पर हो जाएगा आपका ए का मान कितना है 10, तो 10 प्लस एन का मान 30, तो 30 माइनस एक और इसका मान कितना निकला था माइनस 3, यानी कि गुना दे करके माइनस 3। तो अब यहाँ डायरेक्ट इसको बार बार नहीं लिखना है, तो ये हो जाएगा 10 प्लस ये 30 में गया तो 29 गुना माइनस 3, तो अब क्या होगा यहाँ पर गुना होगा, तो 10 इसको गुना करेंगे तो माइनस में हो जाएगा क्योंकि ये माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 9 या 27 किलो 7 बाकी 2 3 दुना 6 2 8 हो गया, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो अब कितना हो जाएगा ये आपका यानी कि 10 घट जाएगा तो -77, तो -77 का आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। अब देखिए दूसरा नंबर प्रश्न है सेम उसी तरह से है कि एपी यानी कि पहला पद कितना आपका A1 कितना है -3, A2 कितना है -1/2 और फिर 2 फिर ... का 11वां पद पूछा गया है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे डायरेक्ट ए बराबर कितना हो जाएगा -3 और फिर D बराबर निकालना है, तो D बराबर यानी कि A2 में A1 करेंगे, तो बराबर में A2 कितना है -1/2 और फिर कितना हो जाएगा यहाँ पे माइनस ब्रैकेट के अंदर फिर -3, तो ये कितना हो जाएगा -1/2 और ब्रैकेट टूटेगा तो +3 हो जाएगा। तो देखिए इस तरह को क्या करेंगे, यहाँ से एलसीएम लीजिए या आप ऐसे भी बना सकते हैं, बात बराबर है 3 × 6 में -1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 5/2 हो जाएगा, 5/2 क्या आ गया डी का मान। अब हमें सूत्र से ज्ञात करना है यानी कि एन बराबर कितना हो जाएगा, एन बराबर हो जाएगा आपका 11, तो सूत्र क्या होता है यहाँ पे आगे लिखा गया ये, तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन डी, ये होता है तो ए एन एन के जगह पे 11 बराबर ए का मान कितना है -3, तो -3 प्लस और एन का मान 11, एन का मान 11 माइनस वन और फिर गुना इसका मान कितना है 5/2 हो गया, तो यहाँ पे फिर हो जाएगा -3 प्लस ये घट के कितना हो जाएगा 10 गुना 5/2, तो ये कट जाएगा 10 × 5 = 10 पांच बार में कट जाएगा, तो ये -3 प्लस 25 हो जाएगा, गुना करके 25, तो 25 में माइनस इसको 25 को आगे कर दिया -3 कर दीजिए, तो अब कितना हो गया ये हो जाएगा सिर्फ 22, तो आपका 22 कहाँ है ऑप्शन नंबर बी 22, यानी कि 11वां पद जो आएगा 22 आएगा और इसका 30वां पद जो है कि -77 आएगा, इसका 30वां पद -77 आएगा और इसका 11वां पद 22 आएगा। तो चलिए दोस्तों आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे।